हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेक्निकल डील। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम चैनल बनाते समय हमको क्या क्या लगने वाला है वो जान लेंगे। तो हम उसमें देखने वाले लोगों कैसे बनाते हैं, लोगों कैसे लगाते हैं, चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, चैनल आर्ट कैसे लगाते हैं, चैनल की सारी सेटिंग हम जान लेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात, आपके पास एक ईमेल आईडी होना काफ़ी जरूरी है। ईमेल आईडी नहीं होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वो देख के बना लीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मोबाइल से गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको इसमें youtube.com टाइप कर लेना है। youtube.com ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर में, तो आप उसको क्लिक करके ये डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। मेरा पहले डेस्कटॉप मोड में है, मैंने करके रखा है। आपको क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने बनाई है वो आप ओपन होंगी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्रिएट ए चैनल में जाना है। क्रिएट ए चैनल में जाने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, मतलब एक यूज़र नेम आपको आपके ईमेल आईडी जो बनाते हैं वो नाम से पहले से ही मिलेगा। नेक्स्ट है यूज़र कस्टम नेम। तो हमें कस्टम नेम सिलेक्ट करके हमको अपना एक नाम, जो भी आपने नाम सोचा होगा तो दे देंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए। तो मैं नाम दे देता हूँ जो भी मुझे बनाना है, जैसे ऑप्टेक एक नाम मैं दे देता हूँ। इस नाम से मेरा एक दूसरा चैनल भी है। तो ये नाम देने के बाद में एग्री जैसे टर्म एंड कंडीशन पे आप क्लिक कर लीजिए। देन क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट होने के बाद में आप देख सकते हैं आपका चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैनल क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद में चैनल क्रिएट हो जाएगा। आपका नाम देख सकते हैं, जो भी आपका नाम है वहाँ पे आ जाएगा। क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद में आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। देन आपको दोबारा सर्च बार में youtube.com टाइप करना है। youtube.com टाइप करने के बाद में आपको दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आपको सेम प्रोसेस और लोगों पे वहाँ पे जो आपका ईमेल है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे अपने चैनल में जाइए, योर चैनल में। योर चैनल के में जाने के बाद में देख सकते हैं आपका चैनल क्रिएट हो गया है। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। आपको कस्टमाइज चैनल करना है। कस्टमाइज चैनल के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल आर्ट और आपको लोगो लगाना है। तो सबसे पहले हम लोगो कैसे बनाते हैं, तो लोगो बना के हम यहाँ पर लोगो अटैच कर देंगे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ से आपको सिंपली प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो वहाँ से हम लोगो बना लेंगे। प्ले स्टोर में आपको डालना है पिक्सा आर्ट पे क्लिक कर लीजिए। मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में इसको अपने मोबाइल से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप साइन इन मांगेगा, तो साइन इन कर लीजिए। आपकी मेल आईडी होंगी तो आप मेल आईडी से गूगल पे क्लिक करके एक मेल आईडी दे दीजिए, जो भी आपको मेल आईडी देना है। तो मेल आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीमियम भी है, हमको फ्री में यूज़ करना है, हमको भी प्रीमियम इसका लेना नहीं है। तो यहाँ से क्रॉस करके सिंपली आप ये प्लस टैब दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सबसे नीचे चले जाइए। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए, हम रेड कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अपना एक सिंपली लोगो बना लेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, जो भी आपका इमेज होगा, जो भी आपको नाम है। जैसे मेरा ऑप्टेक के नाम से है, तो मैं यहाँ पर पहले ओ टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद में यहाँ से आप फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है तो वो फॉन्ट आप यहाँ से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये फॉन्ट ले लेता हूँ, तो ये फॉन्ट काफ़ी दिखने में अच्छा दिखता है। देन आप इसको प्रॉपर सेट कर लीजिए। देन कितना भी आपको साइज़ चाहिए, छोटा बड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप, देन यहाँ से ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद में दोबारा हम जाएँगे यहाँ पर टेक्स्ट में जाएँगे। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे BB। देन राइट क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टेक का OBB हो गया। इसको सेट कर लीजिए, स्मॉल छोटा बड़ा जो भी आपका नाम है। देन दोबारा आप यहाँ से इसको राइट क्लिक कर लीजिए।
राइट क्लिक करने के बाद में आप दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए, तो यहाँ पे जो हमारा बचा है टेक वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं, कलर ले लेंगे हम यहाँ पे, कलर ले लेंगे ब्लू, तो इसको प्रॉपर हम सेट करेंगे ऊपर। देन आप इसमें शेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको पूरा सेट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको कलर देना है तो वो थोड़ा सीख लीजिए, काफ़ी ईजी है। आप एक बार डाउनलोड करेंगे, आप बनाएंगे तो आप बना ही लेंगे। शेडिंग वगैरह प्रॉपर आप इसे फिक्स करके लगा लीजिए, देन राइट क्लिक कर लीजिए, आप इसको प्रॉपर फिक्स कर लीजिए। अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, मतलब आप एक लोगो अट्रैक्टिव बनाएंगे तो चैनल में काफ़ी फ़ायदा होगा उसका। देन राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद में हम यहाँ पे शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद में आप देख सकते हैं जो भी आपको शेप देना है, इतने सारे शेप यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ से सिंपली एक राउंड शेप ले लेंगे। राउंड शेप लेने के बाद में आप इसका राउंड सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, जितना भी साइज़ का छोटा बड़ा है फिक्स कर लीजिए। देन यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप इसको कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपके गैलरी में, कंफर्म करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लीजिए। सेव एज पिक्चर ऑन योर डिवाइस गैलरी सिलेक्ट करके अभी आपके गैलरी में सेव हो गया है। डन कर लीजिए, हम देख लेंगे लोगो हमारा सेव हो गया है। गैलरी में जाइए, गैलरी में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोगो बन गया है। दोस्तों ऐसा लोगो हमारा बन गया है। देन दोबारा ब्राउज़र में जाके आप वहाँ पे यूट्यूब टाइप कर लीजिए। यूट्यूब टाइप करने के बाद में आप सेम इसको डेस्कटॉप मोड कर लीजिए, और देन आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपने चैनल में चले जाइए। चैनल में जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल करिए, वहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपका लोगो है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। देन यहाँ पे नीचे एडिट में जाइए, ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप वो वहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में वो आपका जहाँ पे भी आपका मतलब आपने सेव करा है आप वहाँ से पिकअप कर लीजिए। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, देन अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटो जो भी आपने रखा है वहाँ पे फाइल्स में जाइए, तो आप वहाँ से अपना लोगो जहाँ पे भी आपने रखा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, अपलोडिंग। देन आप इसको प्रॉपर फिक्स कर लीजिए, सेट कर लीजिए। ये जो भी ब्लॉक दिख रहा है ब्लॉक में इसको प्रॉपरली इसको फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद में सेट एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, तो ये आपके प्रोफाइल पिक्चर में सेट हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं। देन आपको दोबारा यूट्यूब में जाना है, youtube.com। देन आपको सेम इसमें डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको ऊपर में लोगो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको अपने चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोगो आ गया है, आप ये देख सकते हैं। देन कस्टमाइज चैनल, कस्टमाइज चैनल में जाएंगे तो अभी हम लगाएंगे चैनल आर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते होंगे आपको यहाँ पे चैनल आर्ट लगाना है अपने मोबाइल पे। देन मोबाइल में जाएंगे, देन आप दोबारा प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर लिखना है कैनवा, आपको कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, मेरे यहाँ पे पहले से डाउनलोड है। देन आप अपने मोबाइल से कैनवा को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप सिंपली इसे लॉगिन कर लीजिए अपने, जैसे हमने उसको किया था लॉगिन पिक्सल को। देन यहाँ पे हम सर्च में टाइप करेंगे YouTube चैनल आर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में ही आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थीम मिल जाएंगे अपने चैनल आर्ट लगाने के लिए, तो मुझे एक थीम काफ़ी अच्छी लगती है तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ये थीम आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लगा लेंगे चैनल आर्ट पे। तो इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसमें हम नाम लिख लेंगे, जो भी आपके चैनल का नाम है वो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे ऑप्टिक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे नीचे भी आप कुछ लिख लीजिए, जैसे टेक रिलेटेड वीडियो, जैसे मेरा बैटरी रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक वीडियो, टेक बैटरीज, तो जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। देन राइट क्लिक करिए, देन यहाँ से आप इसको फिक्स करके वापस सेव कर लीजिए। आपको देख सकते हैं सेव हो गया है। टेक वीडियोस, टेक बैटरीज, टेक टिप्स, ऑप्टेक, काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव रखिए। देन यहाँ से आप सेव कर लीजिए, सेव एज कीजिए, सेव इमेज एज पे क्लिक कीजिए। आपका सेव हो गया है चैनल आर्ट, हम देख लेंगे।
गैलरी में जाके आप देख सकते हैं। अब हम इसको अपने चैनल आर्ट में लगा लेंगे। तो दोबारा हम जाएंगे ब्राउज़र में, यूट्यूब सिलेक्ट कर लेंगे। देन सेम प्रोसेस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद में आप सेम यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देन अपने चैनल में चले जाइए। चैनल में जाने के बाद में कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर लीजिए। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे योर चैनल आर्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से फाइल्स में जो भी आपने जहाँ पे रखा है वहाँ से अपने फ़ोन से इसको उठा लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये अपलोडिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में, टीवी मोड में और मोबाइल मोड में कैसे दिखेगा। देन इसको आप सेट कर लीजिए, ओके कर लीजिए नीचे से। देन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैनल आर्ट कम्प्लीटली लग गया है। देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, मतलब ऐसा रखिए कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। जो भी सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आएगा तो उसको अच्छा दिखेगा, और जब भी गूगल भी रिव्यू करता है यूट्यूबर यूट्यूब तो उसको भी दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे। तो अबाउट में देखेंगे तो अबाउट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो भी हमको डालना है, जैसे आपको जो भी डालना है डाल देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू चैनल ऑप्टेक, वी हैव प्रोवाइड टेक्निकल वीडियोज़, और कुछ लिख लेते हैं जैसे बैटरी का है तो मैं लिख लेता हूँ इंडस्ट्रियल बैटरीज रिलेटेड टेक वीडियोज़ इन दिस चैनल। तो जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। देन ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आपको ईमेल आईडी देना है, वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी, बिजनेस इंक्वायरी के लिए ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिए। लोकेशन आप दे दीजिए, जैसे यहाँ पे इंडिया, हमारा इंडिया है, हम इंडिया लोकेशन दे देंगे। लोकेशन देने के बाद में सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे डन कर दीजिए। ईमेल आईडी आपकी ऐड हो गई है, लोकेशन आपका ऐड हो गया है। देन लिंक्स पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी लिंक है, मतलब फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, तो यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। तो लिंक काफ़ी इजी है, आप उसका लिंक उसमें ऐड कर लीजिएगा। या फिर आपको क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइए, मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे लिंक ऐड किया जाता है। देन सेटिंग में जाके देखेंगे। सेटिंग में जाने के बाद में आप ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो इसको कुछ करना नहीं है हमें, ये सेम एज इट इज़ रहने दीजिए। सेव पे क्लिक करके, सेव वैसे तो सेव ही है। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, देन यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब हम यूट्यूब स्टूडियो में थोड़ी सेटिंग देख लेंगे। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं वो आपको दिखाएगा। देन आपके व्यूज़ कितने हैं, टोटल वॉच टाइम कितना होता है, तो ये सारी बातें आपको इसमें दिखेंगी। देन हम यहाँ से देख लेते हैं, ये यूट्यूब डैशबोर्ड है। फर्स्ट कॉलम जो है वो यूट्यूब डैशबोर्ड से लिखते हैं। देन सेकंड में आपके जो भी वीडियोज़ है, तो वीडियोज़ सारे जितने वीडियो हैं आपके यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन यहाँ से आपको चैनल एनालिटिक्स, मतलब चैनल पे कितने व्यू है, कौन से पर्टिकुलर चैनल पे, मतलब वीडियो पे आपको कितनी रैंकिंग है, कितने व्यू आए हैं, तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिखेंगी। देन आपको कमेंट वगैरह आए होंगे तो यहाँ से आप कमेंट देख सकते हैं। देन उसके बाद में मोनेटाइजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, आप जान लीजिए। मतलब आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच आवर आपको कंपलसरी है, तो ये भी आप जान लीजिए। मोनेटाइजेशन ऑन के बाद में आप इससे भी पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देख सकते हैं आप चैनल डैशबोर्ड में यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएट, यहाँ से आपको अपने वीडियो अपलोड करना होता है, मतलब जो भी आप वीडियो बनाते हैं तो अपलोड करना होता है। तो सारी बातें आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आई होप मैंने जो बातें आपको बताने की कोशिश करी है आप वो समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन कमेंट होगा इस वीडियो के रिलेटेड मुझे क्वेश्चन कमेंट करिए तो उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा या कोई वीडियो बना के ला लूँगा। दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।